तो आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये टॉपिक अभिप्रेरणा। इससे हम सब वाकिफ है, यानी कि हमने कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन, इसका जो इंग्लिश हमने यही सुना है, इंग्लिश जो नेम होता है ना इसका मोटिवेशन, ये अक्सर हम सुनते आए हैं कि मोटिवेशन, कि मुझे वहां से मोटिवेशन मिल गया, मुझे वहां से मिल गया, तो ये हम हर जगह से सुनते आए हैं। लेकिन आज जानेंगे कि इसका असली मीनिंग होता क्या है, ये कैसे काम करता है हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में, और हम इसको क्यों पढ़ते हैं और क्यों पढ़ाया जाता है इसको। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये आज का टॉपिक अपना मोटिवेशन। सबसे बढ़िया जो मोटिवेशन आज का है ये है कि जो हारा वो लड़ा नहीं, जो लड़ा नहीं वो हारा, इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। तो हम मोटिवेशन यानी कि मोटिव कहां से हो, तो हम क्या है, कई बार डिमोटिव हो जाते हैं। डिमोटिव का मतलब हमारी जो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा इतने अच्छे से काम नहीं कर पाती है कभी कभी। जो अंदर से ऊर्जा आती है, जो शक्ति मिलती है अपन को, वही मोटिव का काम करती है। उससे बढ़िया मोटिव और कोई हो नहीं सकता। यानी कि अंदर से जो हमें ऊर्जा मिले उसे ही बोलते हैं मोटिव, यानी कि मोटिवेशन। लेकिन समझेंगे उससे पहले कि छोटी छोटी बातें जान लेते इसके बारे में। हर जगह हम कभी, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं उसमें अपन को रेस्पॉन्ड नहीं आ रहा है कुछ अच्छा, तो हम क्या डिमोटिव हो जाते हैं और वहां से क्या है काम करना थोड़ा सा छोड़ देते हैं। लेकिन कोई वहां से आके हमें मोटिव यानी कि मोटिवेशन देता है तो हम फिर से काम करने लग जाते हैं। ये मोटिवेशन इतना जरूरी है जीवन में, इतना जरूरी है, इसकी हर जगह जरूरत पड़ती है, हर क्षेत्र में, हर कदम कदम पर हमें मोटिव होने की आवश्यकता है। यानी कि ये मोटिव शब्द जो है अपना, ये आवश्यकता की बात आ गई तो ये आता ही, इसका अर्थ होता ही है नीड, स्टार्टिंग नीड से होता है। मोटिव का अर्थ ही होता है नीड, यानी कि आवश्यकता, हमें इसकी कदम कदम पर आवश्यकता है। तो सीखने के लिए स्किनर जी, जो स्किनर हुए थे, बीएफ स्किनर, तो उन्होंने कहा था नेशनल हाईवे है एनएच, यानी कि सीखने के लिए जो अभिप्रेरणा है मोटिवेशन वो क्या है, नेशनल हाईवे, तो उन्होंने इस प्रकार से कहा था। तो सीखने में ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है, इसके बिना सीखा नहीं जा सकता। सीखने की ये मान लो कि जिस प्रकार ये बोल दे, हम ये भी बोल सकते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, कि आवश्यकता के बिना आविष्कार नहीं हो सकता। हमें किसी चीज की जब जरूरत होगी तभी हम उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब मोटिव ये कहां से आया, इसका जो ये मोटिवेशन है, मोटिव शब्द अपने लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। किससे, मोटम से। अब मोटम शब्द जो है लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है, और मोटम का अर्थ होता है अपने आप में, इसका अर्थ होता है कि गति देना। अब जैसे हम काम नहीं कर रहे हैं तो एक तरह से उसको गति दो, फोर्स दो, बल दो, यानी कि वो काम नहीं कर रहा है। जैसे अपने कोई गाड़ी बंद हो गई, रुक गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके धक्का मारते हैं ना, चलाते हैं, धक्का मारते हैं। उसी प्रकार ये मोटिव भी धक्का मार के चलाने का काम करता है। कोई बच्चा है, पढ़ने में कमजोर है, मतलब उसको कुछ ऐसे लगता है कि मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा या मैं कमजोर हूं, तुलना करता दूसरों बच्चों से, तो उसे हमें मोटिव यानी कि मोटिवेशन देने की जरूरत है। हम उसको मोटिवेशन देकर हम उसको आगे ले जा सकते हैं। तो मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम कुछ भी, किसी से भी और हम स्वयं भी कर सकते हैं। लेकिन ये कहां से आता है, ये लैटिन भाषा मोटम, यानी इसका अर्थ होता है गति देना, और आता कहां से है ये बात। लेकिन उससे पहले सीखते हैं कि कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है।
एक तो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल होता है, और एक होता है सोशियल यानी कि सामाजिक। सोशियल दो प्रकार का होता है अपना, ये मोटिवेशन बायोलॉजिकल यानी कि जैविक और सोशियल जैविक। तो बायोलॉजिकल में खाना पीना नींद यानी कि जैविक कौन कौन सी अपने जो जैविक है यानी कि शरीर से संबंधित है, अपने जीवन से बायोलॉजी से संबंधित है, खाना पीना है ना और नींद, ये सब बायोलॉजिकल है, ये मोटिव के प्रकार है। और यहां पर सोशल इनाम, इनाम हो गई और पनिशमेंट हो गया, यानी कि एक तरह से वहां पर जा रहा है। आपने वो देखा होगा ना कि अभिप्रेरणा भी दो प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव तो कौन सी होगी, नेगेटिव कौन सी होगी। तो आप जानते हो कि अभिप्रेरणा दो प्रकार से होती है, जो सबसे अच्छी अभिप्रेरणा मानी गई है, जो सबसे अच्छी अभिप्रेरणा मानी गई है वो आप जानते हो, वो मानी गई है इंटरनली। इंटरनली यानी कि आंतरिक, जो खुद के अंदर से पैदा होती है। खुद के अंदर से पैदा होने का सीधा सा मीनिंग ये है कि इसमें इनाम रिवार्ड पनिशमेंट इनकी जरूरत नहीं हो। तो इसको अच्छे से समझते हैं, अगर किसी इंसान में इंटरनली इंटरनली मोटिवेशन है यानी कि वो मोटिव है इंटरनली, तो क्या है कि उसको जो कार्य कर रहा है, जैसे ये अपने पास मोटिवेशन दो तरह के दिए जा सकते हैं, तो दो तरीके का होता है, एक इंटरनली इंटरनल और एक एक्सटर्नल यानी कि बाह्य और आंतरिक। ये एक्सटर्नल, ये तो बाह्य हो गया, बाह्य अभिप्रेरणा, और ये हो गई अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा। जो सबसे अच्छी मानी गई है ना, जिससे हमको सबसे ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे हम थकते नहीं, काम करते करते थकते नहीं, चाहे मेरे व्यूज एक आए चाहे बिल्कुल भी ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, मैं फड़ाता जाऊं, यानी कि मैं अंदर से, इसका अर्थ सीधा सा यही है कि मैं अंदर से मोटिव हूं। या आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, इसमें इंटरेस्ट भी आता है, काम करते हैं इंटरेस्ट आता है, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है, ना तो पैसों की जरूरत है, इसमें इंटरेस्ट भी आएगा, इसमें यानी कि मजा भी आएगा और थकान भी नहीं होगी और ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी, ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी। यानी कि जो व्यक्ति अंदर से मोटिव हो गया है उसको ऊर्जा भी ज्यादा मिलेगी, थकान नहीं होगी। इसको हम बहुत सारे एग्जाम्पलों से समझ सकते हैं, जैसे किसी के जन्म जाति पढ़ाने की रुचि है, किसी की खेलने की रुचि है कि मैं तो क्रिकेटर ही बनूंगा, किसी के संगीत में रुचि है, वो इंटरनली क्या है, मोटिवेट है, इंटरनली मोटिवेट बोल सकते हैं उनको। और भाई है, अब मान लो भाई का मतलब एक बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को देखा, एक बच्चे ने बच्चे को नहीं देखा, एक डॉक्टर को देख लिया है ना, और डॉक्टर की लाइफ देख ली क्या होती है, उसके पास पैसे होते हैं, उसके पास बंगला होता है, उसके पास गाड़ी होती है, उसके पास रहन सहन होता है, उसके पास सब कुछ अच्छा खाना होता है, अच्छा पीना होता है, तो उसने उसको देख लिया, उसको देखकर वो काम करता है, यानी कि उसको ये भी पता पड़ गया है कि इसमें पढ़ाई करनी पड़ती है, बायोलॉजी लेनी पड़ती है ट्वेल्थ में, फिर इसमें नीट क्लियर करनी पड़ती है, फिर ये करना पड़ता है, उसकी तैयारी में जुट जाता है। तो ये हो गया एक्सटर्नली। और इसमें क्या है, हमें अब किसी बच्चे को हम मोटिव करने हैं, आपको डॉक्टर ही बनना है, आपको इंजीनियर ही बनना है, यानी कि हम उसको बाह्य रूप से फोर्स करें, हम करें उसको बाह्य रूप से, तो इसे कहते हैं एक्सटर्नली। यानी कि इसमें इनाम की जरूरत होगी, इनाम बहुत जरूरी है इसमें, यानी कि रिवार्ड बहुत ही आवश्यक है इसमें, और पनिशमेंट यानी कि सजा भी नेगेटिव, ये होती है अपनी पॉजिटिव, ये क्या होती है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इफेक्ट डालती है हमेशा, ये पॉजिटिव डालती है, ये क्या करती है, ये नेगेटिव, इसको नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि बाह्य रूप से मिलती है, ये कितने समय तक चले, ये इतने ही समय तक चलती है, थोड़े दिनों तक चलती है
और फिर रुक जाती है। यानी कि इसमें इनाम देना समय समय पर बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें इनाम का मिलना जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। इनाम दो चाहे मत दो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वो अंदर से मोटिव हो चुका है। तो हम क्या करते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं, हमने मोटिव के प्रकार जान लिए क्या होते हैं, बायोलॉजिकल होता है, सोशल होता है, और मोटिवेशन को जान लिया कि मोटिवेशन कितने प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो इंटरनली होता है और एक बाह्य, ये देते हैं अपन अक्सर, ये खुद से ही आता है, खुद से स्वयं से हो जाता है ये मोटिव, इंसान खुद से ही मोटिव हो जाता है, खुद के अंदर से रुचि जागृत हो जाती है, थकान नहीं होगी, ये चीजें इसके अंदर आती है। अब इसका समझते हैं अपन क्या, अभिप्रेरणा चक्कर। ये चक्कर क्या होता है, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट माना गया है मोटिवेशन में वो अभिप्रेरणा चक्कर को ही माना गया है। अभिप्रेरणा चक्कर होता है क्या है, देखो सीधा सा जो अर्थ है, देखो ये अपने याद करने के तरीके हो गए, एनडीए और गार है ना, ये हो गया। ये देखो अब देखो हमें शुरुआत में एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, किससे लेकर चले आज के टाइम में, तो कौन सा एग्जाम्पल ले, सबको किस चीज की रुचि ज्यादा है। अपन देखे अगर अपन पढ़ाई की तैयारी करें, नौकरी की जरूरत ज्यादा है, किसकी नौकरी, जॉब, यानी कि अपन को जॉब चाहिए, वो भी कौन सी, गवर्नमेंट जॉब, कौन सी, गवर्नमेंट जॉब। तो सबसे पहले हमें नीड होगी यानी कि आवश्यकता होगी, और ये आवश्यकता किसकी, हमें गवर्नमेंट जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता तो है, अब ये अभिप्रेरणा चक्कर किस प्रकार काम करेगा, सबसे पहले नीड होगी, क्या होगी, नीड यानी कि आवश्यकता होगी, और किसकी हुई हमें आवश्यकता, यहाँ पर कुछ भी ले लो, ये अलग अलग रूप में बदलती जाती है। अब यहाँ पर प्यास भी हो सकती है, यहाँ पर सिंगिंग भी हो सकती है, यहाँ पर डांसिंग भी, सब कुछ हो सकता है यहाँ पर। तो सबसे पहले आवश्यकता होगी है ना, गवर्नमेंट जॉब की। फिर क्या होगा, आवश्यकता के बाद में ये प्रणोद, इसको बोलते हैं प्रणोद, या आप बोल दो चालक, और इंग्लिश में बोल दो ड्राइवर है ना, तो ये इनके नाम है। तो ये प्रणोद क्या है, ये प्रणोद को समझे अच्छे से। अब आवश्यकता हो गई, अब आवश्यकता तो हो गई, हमें जरूरत तो है, लेकिन यहां पर हमें क्या चाहिए, एक बल चाहिए, और वो बल कहां से मिले, यानी कि फोर्स चाहिए, यानी कि जो चीज की आवश्यकता उस चीज को हमें आगे बढ़ाना है, यानी कि ले जाना और आगे तक, यानी कि वो चीज अपने अंदर आनी चाहिए। अब ये चाहिए अपन को कहां से, इसके अपन को प्रेरणा मिलनी चाहिए, यानी कि फोर्स करने चाहिए, घर वालों से भी मिल सकती है, ये बाहर वालों से भी मिल सकती है, ये टीचर से भी मिल सकती है, ये मोटिवेशन स्पीकर से भी मिल सकती है, जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं ना उनसे भी मिल सकती है। जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए हमें ये फोर्स चाहिए, और ये होती है अराउजल, यानी कि अब अपन को फोर्स मिल गया है, सब कुछ हो गया। अराउजल का मतलब होता है उत्तेजना, उत्तेजना। अब इसके बाद में उत्तेजना होगी, बस अब तो रहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब तो मुझे करना ही है, क्या करना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। उसकी उत्तेजना इतनी बढ़ जाएगी कि हम उस क्षेत्र में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, यानी कि उत्तेजना तो आप जानते हो ये आ जाती है इंसान में, तो वो रह नहीं सकता, वो काम करके ही रहता है, वो ठान लेता है मुझे गवर्नमेंट जॉब हासिल करनी है। ये होती है मोटिवेशन, और ये फोर्स मिले अगर घरवालों से, फिर उत्तेजना पर पहुंचता है वो, मिल जाती है तो रुकता नहीं है, फिर पहुंचेगा वो कहां पर, गोल डायरेक्टिव बिहेवियर पर, यानी कि वो दिशा, यानी कि लक्ष्य की दिशा में कार्य करेगा, यानी कि वो पढ़ने लगेगा, वो अलग अलग बुके ढूंढने लगेगा कि ये कौन सी चीज है इसके अंदर, कि मैं इसको किस प्रकार से तैयारी करूं अपनी इस गवर्नमेंट जॉब के लिए, अगर मैं टीचर बनना है कौन कौन सी सब्जेक्ट पढूं, वो टॉपर्स को ढूंढेगा, टॉपर्स ढूंढेगा और गोल डायरेक्टिव बिहेवियर पर जाएगा, और फिर क्या होगा, ये हो जाएगा अराउजल में
थोड़ी सी क्या हो जाएगी, नहीं ये हुआ है अराउजल, नहीं अराउजल तो आएगा भी, ये अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि हासिल कर लेगा, यहां पर जाकर उपलब्धि उसे हासिल हो जाएगी। जब उपलब्धि हासिल हो जाएगी, उसने गवर्नमेंट जॉब भी ठानी थी टीचर बनने की, वो टीचर बन जाएगा, टीचर बनने के बाद में उसका रिडक्शन हो जाएगा, किस चीज में, उत्तेजना में, जो उत्तेजना हुई थी ना वो उसकी कम हो जाएगी, फिर वो नीड पे आ जाएगा। अब ये नीड आप किसी पे भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब की जगह सिंगिंग भी कर दो, अलग अलग चीजों में काम करती है। अब इसके बाद में अपन ने गवर्नमेंट जॉब ले लिया तो इसके बाद में अपन को करनी है मैरिज, तो ये उसी प्रकार काम करेगा, फिर या फिर और भी क्षेत्र में काम करते हैं डांसिंग में, या फिर और भी जैसे बिजनेस करना है किसी को, इसके बाद उसका मन नहीं भरा तो बिजनेस में भी सेम इसी प्रकार चलेगा ये, यानी कि चलता जाता है ये चक्कर है, अभी प्रेरणा चक्कर इस प्रकार बढ़ती जाती है। और इसके जो पार्ट जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, हमने ये चक्कर जाना।